हेलो दोस्तों, मैं हूं कृष्ण। वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल रिएक्शन जोन। और दोस्तों कैसे हो? तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो नेपाल ने जो अपना नया मैप जारी किया है उसके ऊपर है, क्योंकि अभी बहुत टाइम से अभी इसके ऊपर विवाद चल रहा था कि काला पानी डिस्प्यूट के ऊपर। और जो भी इंडिया के लोगों ने मानसरोवर के रास्ते पे सड़क बनाई है लिपुलेख पास पे, तो उसको लेकर के काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा था नेपाल पे। तो उसके बाद नेपाल ने बोला कि भाई हम अपना अब एक नया मैप निकालेंगे जिसमें कि हम जो हमारी अपनी ज़मीन है उसको हम अपने अंडर में दिखाएंगे। मतलब क्या पहले जो मैप था उसके अंदर नेपाल की वो ज़मीनें नहीं थी? ये मुझे थोड़ा सा एक डाउट है, वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे क्लियर कर देना। गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, अभी वीडियो देखेंगे उसमें पता चल जाएगा कि पहले क्या मैप था, अभी नया मैप क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, डिस्प्यूटेड एरिया को कैसे कर रखा था पहले, वो हमको वीडियो देखने के बाद आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। ओके दोस्तों, फिर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले वो आप तक पहुँचे। ओके दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं, अगेन स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल से, और इस वीडियो का नाम है नेपाल अप्रूव्स इट्स न्यू मैप इंडिया नेपाल डिस्प्यूट। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, 1 2 3 गो। नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेपाल सरकार के एक लेटेस्ट फैसले के बारे में। नेपाल कैबिनेट ने अपने देश का एक नया नक्शा अप्रूव कर दिया है और इस नक्शे के अंदर लिपुलेख, कालापानी और लिम्फिया धुरा जैसे एरियाज जो भारत के अधीन है उन्हें नेपाल में बताया जाएगा। ये एरिया भारत और नेपाल के बीच में कई सालों से डिस्प्यूटेड है और इस नक्शे को लेकर क्या टकरार होने वाली है और नेपाल का ये कदम क्यों आया है ऐसे समय में, इन सभी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के अपडेट्स आपको यहाँ प्राप्त हो जाएंगी और इस टेलीग्राम चैनल पर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू का स्मार्ट कोर्स सिविल सेवा परीक्षा यानी आईएएस एग्जाम के लिए लॉन्च हो चुका है। इस कोर्स की मदद से आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन पर आईएएस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए स्टडी आईक्यू ऐप को फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर और इस कोर्स पर 20 मई तक ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है। नेपाल के मंत्रिमंडल ने आज एक नया नक्शा अप्रूव किया है और इसमें इन तीन इलाकों को, इन तीन एरियाज को अपने देश में दिखाया है, लिपुलेख, कालापानी और आपको मैप में बताऊंगा मैं कि ये सारी टेरिटरी कहां पर स्थित है। इसके साथ ही नेपाल की रूलिंग पार्टी यानी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने एक स्पेशल रेजोल्यूशन भी टेबल किया है आज पार्लियामेंट में, जिसमें यह कहा गया कि नेपाल अपनी टेरिटरी यानी कि कालापानी, लिम्फिया धुरा और लिपुलेख को भारत से फिर से लाएगा, अपने देश में शामिल करेगा। तो ये रेजोल्यूशन पास किया गया है। अब ये न्यूज़ कि नेपाल एक नया नक्शा जारी करेगा, कल रात को नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा ट्विटर पर शेयर करी गई थी। उन्होंने कहा था कि देश एक नया मैप बनाएगा, पब्लिश करेगा, जिसमें सारे ही राज्यों को, सारे ही डिस्ट्रिक्ट्स को डिटेल में फिर से उनका मैप बताया जाएगा। अब इस मैप को लाने के पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है कि लिपुलेख कालापानी रीजन को अपने देश में बताना। और प्राइम मिनिस्टर खड़गा प्रसाद शर्मा ओली ने आज पार्लियामेंट में ये भी स्टेटमेंट दिया नेपाल में कि ये एरियाज नेपाल के हैं और हम इन्हें वापस लेकर रहेंगे। तो ये पूरी तकरार शुरू हुई लगभग 10 दिन पहले जब भारत के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने लिपुलेख पास तक के लिए एक नई रोड बना दी है। और इस रोड के बनने से भारत को फायदा ये होगा कि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है वो काफ़ी शॉर्ट हो जाएगी, ज़्यादातर रास्ता अब उसका भारत से होगा। अभी पहले रास्ता काफ़ी लंबा था, या तो नेपाल या फिर सिक्किम होकर जाना पड़ता था, तो ये रोड बनने से ये रास्ता बहुत ही शॉर्ट रह जाएगा। जैसे ही इस रोड के इनॉग्रेशन की खबर मीडिया में आई तो नेपाल सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान आया कि ये गलत है, हमारे एरिया पर भारत ने रोड बना दी है, और नेपाल की सड़कों पर प्रदर्शन होने लगे और नेपाल सरकार ने भारत के राजदूत को बुलाकर ऑफिशियली अपना प्रोटेस्ट भी इसके खिलाफ दर्ज कराया। और कोविड-19 क्राइसिस के बावजूद इस तरह से मास्क लगाकर लोग प्रोटेस्ट करने काठमांडू की सड़कों पर उतर गए। तो आइए एक बार मैप में देखते हैं कि ये पूरा एरिया है कौन सा। तो अगर आप भारत का ऑफिशियल मैप देखेंगे तो उसमें उत्तराखंड रीजन में जो बिल्कुल कॉर्नर मोस्ट एरिया है नेपाल और चाइना की बाउंड्री से लगता हुआ, ये ट्राई जंक्शन इस वक्त डिस्प्यूटेड है भारत और नेपाल के बीच में, यही है कालापानी रीजन। तो इसी क्षेत्र में ये तीनों जगह स्थित हैं, लिपुलेख पास, लिपुलेख दर्रा, उसके अलावा कालापानी जहाँ से महाकाली नदी या काली नदी या शारदा नदी, सभी एक ही है, इसका उद्गम होता है, और तीसरा लिम्फिया धुरा। आइए थोड़ा और विस्तृत रूप से इसे समझते हैं। तो अगर आप भारत के उत्तराखंड राज्य पर जूम इन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीन देशों की सीमाएं आपस में लगती हैं,
इधर है चाइना, यहाँ पर है नेपाल और यहाँ है भारत इंडिया। अब इसमें सारी तकरार इस एरिया को लेकर है। ये जो आपको रीजन दिख रहा है ये एक आउटक्रॉप सा आपको नजर आएगा, ये एरिया काला पानी क्षेत्र कहलाता है। अब यहाँ पर ये जो रेड मार्क आपको दिख रहा है, दिस इज द लिपू लेक पास, ये है लिपू लेक दर्रा। भारत ने यहाँ पर अभी एक सड़क बनाई है, 80 किलोमीटर का सेगमेंट था आखिरी का सेगमेंट, ये भारत ने कंप्लीट कर दिया है और अब एकदम बॉर्डर तक, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक भारत के पास अब सड़क से कनेक्टिविटी मौजूद होगी। और ये एरिया स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत यहाँ पर एक एडवांटेजियस पोजीशन पर है। लिपू लेक पास से हम चाइना की तरफ नज़र रख सकते हैं, इसीलिए ये एरिया भारत की तरफ से सामरिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1962 से पहले यहाँ पर भारत की आर्मी तैनात नहीं थी, लेकिन 62 के युद्ध के बाद हमने वहाँ पर अपनी आर्मी तैनात रखी है और तभी से नेपाल इसके खिलाफ समय समय पर प्रोटेस्ट करता आया है। तो ये पूरा क्षेत्र कहलाता है काला पानी क्षेत्र। ये जो रेड डॉट यहाँ पर मार्क्ड है, दिस इज लिपू लेक पास और यहाँ पर स्थित है लिम्फियाधुरा। तो नेपाल इस पूरे एरिया को, इस लाइन के इस तरफ, इस एरिया को अपने टेरिटरी में क्लेम कर रहा है। आप इस मैप में इसको थोड़ा बेटर अप्रिशिएट कर पाएंगे, जो भी डार्क ब्लू कलर में एरिया है ये इस वक्त डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो देखिए एक्चुअली में कंट्रोल तो यहाँ पर भारत का है, भारत हमेशा से क्लेम करता है ये हमारी ही टेरिटरी है। नेपाल की जो एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो अभी इस लाइट ब्लू एरिया तक स्थित है, लेकिन नेपाल क्लेम कर रहा है इस पूरे डार्क ब्लू एरिया को। बेसिकली दोनों देशों के बीच में जो मेन प्रॉब्लम है वो ये कि महाकाली नदी का उद्गम स्थल किसे माना जाए। तो ये तो दोनों देश एक्सेप्ट करते हैं कि महाकाली नदी दोनों की बाउंड्री है, लेकिन नेपाल कहता है कि लिम्फियाधुरा से ये नदी शुरू होती है, यहाँ से भी एक स्ट्रीम चलती है वो एक्चुअली में ओरिजिन स्ट्रीम है, और भारत ये कहता है कि लिपू लेक पास के नीचे से जो स्ट्रीम निकलती है, जो कुछ इस तरह से बहकर जाती है, ये ओरिजिनल स्ट्रीम है। तो इसीलिए ये वाली बाउंड्री सही है, नेपाल कहता है कि ये वाली बाउंड्री होगी। अब ये एरिया पूरा 400 स्क्वायर किलोमीटर का है, इतना छोटा भी नहीं है कि इसको आसानी से जाने दिया जाए, तो ना इसे नेपाल छोड़ने को तैयार है और एक्चुअल कंट्रोल तो ऑलरेडी भारत का है। लेकिन भारत का मेन कंसर्न यहाँ पर चाइना और सिक्योरिटी से रिलेटेड है। रिसेंटली नेपाल ने ये क्लेम किया था कि सुगौली की संधि के तहत ये एरिया नेपाल का होता है। अब ये सुगौली की संधि क्या है, इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था अभी से कुछ दिन पहले ही, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, इसमें आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा कि कैसे ये ट्रीटी नेपाल की बाउंड्री को तय करती है। अब फिर से आते हैं नेपाल के इस मैप पर। तो नेपाल सरकार ने 18 तारीख की रात को, फॉरेन मिनिस्टर ने नेपाल के अनाउंस किया था कि नया मैप जारी कर दिया जाएगा। सरकार ने भी सुबह कहा था कि आज मैप जारी कर देंगे, लेकिन देर शाम तक मैप जारी नहीं किया गया है। लेकिन नेपाल के कुछ अखबारों ने सूत्रों के हवाले से ये फोटोग्राफ छापा है और उन्होंने बताया है कि ये मैप है जो कल शायद पब्लिश कर दिया जाएगा, और इसमें हम साफ देख सकते हैं कि लिपू लेक, लिम्फियाधुरा और काला पानी वाला पूरा रीजन नेपाल के अंदर दिखाया गया, जबकि एग्जिस्टिंग बाउंड्री कुछ इस तरह की है। अब दोस्तों नेपाल इस मैप को छापकर क्या अचीव करना चाहता है? पहली चीज़ तो ये कि नेपाल कहेगा कि अब एडमिनिस्ट्रेटिवली हर जगह हमारी ऑफिशियल पोजीशन ये है। तो नेपाल की बच्चों की किताबों में, नेपाल के ऑफिशियल मैप्स में, इंटरनेशनल लेवल पर सभी जगह नेपाल उस मैप को प्रदर्शित करेगा। गूगल मैप्स के लिए परेशानी हो जाएगी, उन्हें नेपाल में अलग नक्शा दिखाना पड़ेगा, भारत में अलग नक्शा दिखाना पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली सरकार चाहती क्या है? तो देखिए सबसे बड़ा रीज़न नेपाल सरकार के इस मूव के पीछे ये है कि नेपाल में पॉलिटिकल प्रेशर बहुत है इस वक्त ओली सरकार पर, क्योंकि वहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं और सरकार ऐसा नज़र नहीं आना चाहिए कि सॉफ्ट जा रही है इंडिया पर। 2015 से ही नेपाल में भारत के खिलाफ थोड़ी सी भावनाएं आहत हुई हुई है, जब से वो रोड ब्लॉक हुआ था, ब्लॉकेड हुआ था। तो अब सरकार कमज़ोर नहीं दिख सकती भारत के सामने, भारत के किसी भी स्टेप के सामने। और दूसरी बात, नेपाल में इस वक्त जो सत्ता में पार्टी है वो है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। ऑब्वियसली दे हैव बेटर टाइज विद चाइना विच इज़ अ कम्युनिस्ट नेशन ऑन पेपर एटलीस्ट। तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के संबंध चाइना से इस वक्त बेहतर है कंपेयर टू इंडिया, और ये माना जा रहा है कि ये जो मूव है इसको चाइना का पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल है। अब ओपन में तो कोई चाइना ने स्टेटमेंट नहीं दिया है इस बारे में, एक भी स्टेटमेंट नहीं आया है, विच इज़ वेरी अनकैरेक्टरिस्टिक। हालांकि चाइना की भाषा अलग है, वो LAC पे पिछले कई दिनों से अपने सैनिकों को आगे बढ़वाकर जबरदस्ती झड़प करवा रहा है भारतीय सैनिकों के साथ, लेकिन इस मूव के पीछे भी कहीं ना कहीं चाइना का सपोर्ट और बैकिंग हासिल है। और फाइनली यहाँ पर एक और बात है, KP शर्मा ओली 1996 में नेपाल के गृह मंत्री हुआ करते थे। उस समय भारत और नेपाल ने महाकाली नदी संधि साइन करी थी और ऐसा माना गया था नेपाल में कि इस संधि के कारण भारत को ज़्यादा पानी मिल गया और नेपाल का जो यहाँ पर हक था पानी पर वो थोड़ा कम हो गया। तो इसीलिए आज KP शर्मा ओली जब देश के प्रधानमंत्री हैं तो वो इस मुद्दे पर सॉफ्ट नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि आगे जब भी चुनाव होंगे फिर से ये मुद्दा उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे। बात तो बहुत सही कही है इस भाई ने। और इस वीडियो से ज़्यादा जानकारी तो यही मिलती है, इस वीडियो से जो हमको जानकारी मिलती है वो ये है कि जैसा कि बताया गया है इस वीडियो में कि जो मैप बनाया गया है नेपाल ने, वो सबसे बड़ा इशू क्या है, काला पानी लिपू लेक सबसे बड़ा इशू है,
तो मेन कंसर्न यही है यहाँ पे कि जो ओरिजिन है, जो काली रिवर का ओरिजिन है, वहीं से बॉर्डर है, ठीक है। काली रिवर का जो ओरिजिन है वहीं से दोनों देशों को पता है कि जो काली रिवर का ओरिजिन है वहीं से बॉर्डर है, लेकिन ये एक रिवर के दो ओरिजिन बता रहे हैं। इंडिया किसी और ओरिजिन को बता रहा है, नेपाल किसी और ओरिजिन को बता रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम आ रही है। अब नेपाल ने क्या किया है, जो अभी इंडिया के अंदर लिपु लेक और काला पानी को दिखाया गया था उसको नेपाल ने अपने अंदर शो कर लिया है। अब इसको इसलिए किया है क्योंकि वीडियो में बताया गया कि इसके लिए चाइना को पूरा सपोर्ट है, क्योंकि नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी है तो उसको चाइना का पूरा सपोर्ट है। और अभी केपी ओली के अगेंस्ट में भी बहुत सारे प्रदर्शन हुए थे, तो केपी ओली अब यहाँ पे सॉफ्ट जाने वाले नहीं है, यहाँ पे वो अपनी पूरी ताकत लगा देंगे इस पूरे एरिया को लेने में। क्योंकि जैसे पानी के बारे में बताया गया, पानी की वहाँ पे ज़्यादा पानी इंडिया को आ गया था और कम पानी नेपाल को जा रहा था, तो वहाँ पे थोड़ा सा दिखाएंगे एग्रेसिवनेस दिखाएंगे यहाँ पे भी नेपाल के लोग। लेकिन मैं तो बस यही चाहता हूँ कि दोनों पार्टी बैठ के आपस में बैठ के बात कर लें और इस मुद्दे को जल्द से जल्द सॉल्व कर लें, क्योंकि जो हम लोगों की फ्रेंडशिप है वो ख़राब ना हो, ठीक है। जैसी हमारी यारी दोस्ती बनी हुई है, जो प्यार मोहब्बत बना हुआ है हमारा और नेपाल का, वो बरकरार रखे। दोनों देशों को एक दूसरे से मिलजुल के रहना है, दोनों देशों को समझना है कि भाई ये जो मुद्दा है काला पानी लिपु लेक का, या फिर जो सड़क बनाई है मानसरोवर के लिए वो किस लिए बनाई है, क्यों बनाई है, और जो मुद्दा है उसको समझना चाहिए कि मेन यहाँ पे है क्या। और बताया गया वीडियो में कि जो जो वहाँ पे जो इंडिया ने अभी वहाँ पे इंडिया के अंडर में है वो जगह, वो किस लिए, उससे क्या एडवांटेज है, वहाँ से चाइना के ऊपर हम अच्छी तरह से नज़र रख सकते हैं, क्योंकि चाइना के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। चाइना अभी भी हमारे इधर लड़ाई झगड़ा कर रहा है, सिक्किम के साइड में भी मुठभेड़ हुई थी सैनिकों के बीच में, मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका था कि मुठभेड़ हुई थी। तो यहाँ से हम चाइना के ऊपर अच्छे से नज़र रख सकते हैं कि वो कोई नेगेटिव कदम ना उठाए, क्योंकि चाइना नेगेटिव कदम उठाने में बहुत ज़्यादा आगे है, बहुत जल्दी उठा लेता है। ओके, तो मैं तो बस यही कहूँगा कि किसी के बहकावे में मत आइए, किसी के भड़कावे में मत आइए, प्रोटेस्ट कीजिए थोड़ा जान के, थोड़ा समझ के। और ये जो न्यू मैप जारी किया है इसको लेकर के भी बात चलेगी, मुद्दा होगा कि, क्योंकि अभी वीडियो में बताया गया कि इंडिया ने बोला है कि हम इसको अपने मैप में दिखाएंगे, हमारी ज़मीन को हम अपने मैप में दिखाएंगे, और नेपाल ने अपने मैप में दिखाया, तो गूगल को परेशानी होगी, नेपाल के लिए अलग मैप दिखाएगा वो, इंडिया के लिए अलग मैप दिखाएगा, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसको जल्द से जल्द शॉर्ट आउट किया जाए, जल्द से जल्द इसको क्लियर किया जाए कि नेपाल का जो है वो नेपाल को मिले, इंडिया का जो है वो इंडिया को मिले। दोनों पार्टीज़ को इसमें समझना चाहिए, जब इतने अच्छे रिलेशन हैं तो एक दूसरे को समझना ज़रूरी है। ओके दोस्तों, बाकी आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपके पास और कोई वीडियो है इस चीज़ से रिलेटेड, न्यू मैप से रिलेटेड, तो वो वीडियो मुझे दीजिए, मैं उससे भी अपना रिएक्शन वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि और भी लोगों को इसके बारे में जानकारी हासिल हो और उन लोगों को भी थोड़ा सा क्लियर हो जाए, जो भी उनके जो भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ओके दोस्तों, तो चलिए लास्ट में बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपना प्यार यूँ ही बरकरार रखिए, मुझे यूँ ही सपोर्ट करते रहिए, जिससे कि मैं ऐसे और भी ढेर सारी वीडियोस लेके आता रहूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तरीके धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ, तब तक के लिए।